हेलो हेलो, प्रणाम जी। नमस्ते जी। हम पंडित पंडित महिंदर पाल जी से कुछ बात करना चाह रहे थे। हाँ बोलिए, कर रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा, मतलब बात ये करना चाह रहे थे कि हम सच्चाई की तलाश में रहते हैं, समझे। आपकी बात हम यूट्यूब में सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि ये सच है जो आप कह रहे हैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन हाँ, बोल रहे हैं आप? हम ये मान है, लेकिन हमें तो सच्चाई चाहिए। आपकी बात हम देखा जो सच पे आधारित है, और आप ईसाई से भी बात करते हैं जिसमें एक अकल होने के नाते, अकलमंद होने के नाते जो सच्चाई है उसको कबूल करना चाहिए इंसान को, बिल्कुल और आपकी बिल्कुल बात जी में हमें सच्चाई नजर आती है। जी 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 तो ये टूप में हम हमेशा सुनते हैं आपकी बात को, प्रवचन को बहुत अच्छा लगता है, और मेरा दिल गवाही देता है, इस बात को कबूल करता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है। जी सच तो एक ही होगा ना, चाहे आपके पास हो या मेरे पास हो, तो गलत गलत होगा, चाहे आपके पास हो हमारे पास हो, क्योंकि जी, जो 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 सार्वभौम सत्य है वो एक और अद्वितीय है। जी। अब उसको जानना ही इंसानियत है। हाँ एकदम बेशक। अब उसको लोग तिलांजलि दिए हुए हैं। मतलब इस्लाम में भी इतना पखंड भर दिया है कि कभी कभी जब गहराई में जाते हैं सोचते हैं तो हमको लगता है कि क्या झूठ में लोग पड़े हुए हैं। आपकी बात को सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो सच है उसको कबूल कीजिए, चाहे कोई भी मजहब का हो, उससे मतलब नहीं है। जी अब वही तो मैं अभी बोला हूँ, ये जी जो कुरान कह रहा है, जालिकल किताब ला रही बफी, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर उसमें जी शक शक की गुंजाइश हो तो भी शक नहीं कर सकते आप। हाँ, ये तो जबरदस्ती मनवाया जा रहा हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती मनवा जा रहा तभी तो है हम ना। तुम्हें मतलब तभी तभी तो तो हम जो हम जो तुम पे थोप रहे उसको कबूल कर लो, ऐसा है। जबी तो सूरह काफिरून में जाकर के अंतिम में जाकर के कह दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे दिन तुम्हारे पास, हमारे दिन हमारे पास। जी, जब इससे कुरान साबित होता है दो जब दीन है। खाइए अभी जब कुरान कह रहा है, पहले तो कह दिया सूरह आल इमरान में, सूरह निसा में, सूरह माईदा में, कई जगह बोला है कि इन दीन आइंदा इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तो जी जब एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन कहाँ से आ गया? जी मतलब इसका मतलब कोई और भी दीन हाँ है ना। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। अभी आपका एक डिबेट हम देख रहे थे, ईसाई धर्म वाले को गुरु से आप बात कर रहे थे, वो बार बार बोल रहे थे कि आप दिल्ली में हैं तो कलकत्ता में बताइए क्या है, आपके पीछे वाले कमरे में क्या है, इस टाइप का। जी जी जो कुछ घूस लेके जन्नत में चला गया। हाँ, तो वो उसमें क्या नाम है, वो इंसान को ईश्वर के साथ जोड़ रहा है। भाई ईश्वर जब सब कुछ जानता है, वो आलमे कुल है, तो वो सब कुछ जानता है, तो जब आदम की पत्नी फल खा रही थी तो उस समय अल्लाह क्यों नहीं जान पाया? हाँ, फिर जब जन्नत में कोई पहरेदार नहीं था जो शैतान घुस गया, बताइए। अब जिस शैतान को निकाला जन्नत से, और वही शैतान वही जन्नत में जा रहा है, तो अल्लाह को पहले से इल्म था कि नहीं कि शैतान को हम निकाल रहे हैं, लेकिन आए गए यहाँ पर? जी, तो सब इनमें था फिर भी ऐसा होने दिया। यह इस्लाम मजहब भी पखंड है, ये मेरा दिल एकदम कबूल करता है, ये सच है जो आप बोल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, जो सच है ना उसको आवाम तक पहुंचाने का, हमारे बहुत से दोस्त को मैं आपका प्रवचन सुनाता हूँ, भाषण, लेक्चर, ये तो लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें सच है जो ये महेंद्र पाल जी बोल रहे, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जहाँ तक आ जिस जिस ईसाइयों की बात सुन रहे थे, उसमें तो वो दिखाया सांप कहाँ पेड़ पर चल रहा है तो फल खाने के लिए, वो सांप लौट रहा है, उस दरवान वो बोल रहा है कि सांप दरवान था, उस दरवान को घूस दे करके वो गया। अब घूस वो क्या दिया है? वो घूस ये दिया, अल्लाह ने बोल दिया था कि तुम खाने से फल खाओगे मर जाओगे, उसने बोला मरोगे नहीं, और वो जिंदा करके दिखा दिया, तो अल्लाह की बात झूठ हो गई। जी, एकदम बिल्कुल। अब पहले की जाओ रहे सर, जैसे जन्नत में किसी चीज का कमी नहीं है, दूध का नहर, शहद का नहर, शराब की नहर, हूरे सब कुछ मौजूद है, फिर उसको किस चीज का जरूरत पड़े जो घूस ले रहा। हाँ, चाहे वो दूसरी बात है कि अल्लाह को इल्म था कि नहीं, पहले अल्लाह को जानते थे कि नहीं कि ये घूस दे करके, जिसको मैं निकाल रहा हूँ वो घूस दे करके आ जाएगा? हाँ, जब जन्नत में भगा सकता आदम को, तो हमको दुनिया में क्यों नहीं भगा सकता, बताइए अभी। हाँ,
अच्छा फिर दूसरी बात है, क्या नाम बताया अपना आपने? मेरा नाम भाई एक बात और सुनिए, देखिए जी एक मजेदार बात मैं बता रहा हूँ जो अब तक नहीं आया सामने। ये जन्नत में तो लोग जाते हैं ना कि वहाँ हूर है, गिल्मा हदाई का अनाबम व कबाइबा तुराबम व का संध्या का ला यस्मऊन फीहा लगबम वला किज़ाबा, ये कुरान खुद कह रहा है। अल्लाह खुद कह रहे हैं, लेकिन लेकिन आपके जहन में मैं एक बात डाल रहा हूँ भाई। वो बात ये है कि जन्नत में हूर और गिलमा आदि सब मिलेंगे, जन्नत में जो रहेंगे जन्नतियों के लिए। लेकिन आदम उस हूर से वंचित रहा। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। एक सवाल और है आर्य जी, जैसे हमारे घर की हमारी आलिया है बीवी, तो कहती है कि तुम्हें तो हूर मिलेगा, अब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका भी बता दो। औरतों के लिए तो अल्लाह के पास कोई जगह ही नहीं है। वो बोले खातून जो होंगी वो उनके शौहर मिलेंगे, अब उनके शौहरों मिलेंगे जो शौकर शौहर उनके सामने में और महिलाओं के साथ रंग रलिया मनाएंगे हूरों के साथ, तो उनको कैसा लगेगा? वो तो शौतर हो तो और जलन हो जाएगा। अब पता नहीं क्या नहीं, आपकी बात में, आपकी बात में हमें एकदम 100 के 100 सच्चाई नजर आता है और इसको मैं कबूल करता हूँ आपकी बात को एकदम। लेकिन कभी अल्लाह ताला या जो ईश्वर भगवान जो भी आप कहते हैं, कभी ऐसा मौका मिले तो आपसे को जरूर मिलेंगे ताकि आपको जो है देख सके। यूट्यूब में देखते हैं लेकिन दिल नहीं भरता जनाब। हाँ तो मैं आपके इलाके में खूब गया हूँ, मैं वो मारा मारी वाला एरिया है, कौन किसको मार सकता है। जी 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 एकदम बिल्कुल नक्सला एरिया, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। वो मेरा सारा प्रचार क्षेत्र है ना, मैं तो बहुत बार गया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका यूट्यूब हमेशा देखते हैं, हम बहुत दिन से तलाश थे, कभी कभी आप नाराज हो रहे थे कि मतलब इनका नंबर भी नहीं है कि हम इनसे बात करें। मेरा एक दोस्त हमको नंबर दिया, बोला आर्य जी से बात करना ये नंबर, बहुत दिन से मतलब शिद्दत से हम चाह रहे थे, बहुत तड़प के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम हमेशा सुनते, दुबई से भी आपको फोन पर बात हो रहा था तब भी सुना, एक आदमी और भी लोगों का, हमें इसमें सच्चाई है और जो सच है उसको कबूल करेंगे हम चाहे कुछ भी हो। इसीलिए मैं बोला जो खुद माँ सफा वर्गा माँ कजर, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उसको ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी उससे बाहर आना, ये इंसानियत है ये। जी जी इसलिए मैं कहूँगा कि यारफुल इंसान बिल मामला तिला विश्वसला, शरीफ आदमी की पहचान उसके इल्म और उसके बर्ताव है, उसके रोजा नमाज से आदमी को पहचाना नहीं जाता। नहीं नहीं यारफुल इंसान शरफुल इंसान बिल इल्म वल अदब ला बिल माल वल नसब, शरीफ आदमी की पहचान उसके इल्म और उसके बर्ताव से है, उसके धन दौलत रुपया पैसा खानदानी वजाहत से आदमी को पहचाना नहीं जाता। सही बात बोल एकदम दुरुस्त फरमाया। कभी मेरे एरिया में आएंगे तो आप जरूर ये नंबर अपलोड कर लीजिए इस गरीब इस हकीर का, ताकि आपका मतलब प्रवचन और आपका हम सुन सके, कभी दीदार करने का मौका हो तो बहुत बहुत हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे कि आपका हमको दीदार हो जाए। अच्छा तो जरूर मैं उसमें शामिल हूँगा। हाँ इसी नंबर को आप हमसे मतलब किसी के जरिए से आप हमको सूचित कर देंगे कि हम आ रहे हैं, तो हम वहाँ जरूर मतलब आपसे मिलेंगे। आपको ये आपका नंबर है, मैं इसको फिट कर लूँ।